वेलकम बैक टू द चैनल एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे पास थार आ रखी है, इसमें हमें करनी है फुल मॉडिफिकेशन। इतना सारा सेटअप जो कि आपने बोनट पे रखा है सारा इसमें हमें लगाना है। डीआरएल लगानी है, पिलर पॉड लगाने हैं फर्स्ट टाइम इन वैली। इसमें हम एसी वेंट भी लगा रहे हैं, उसमें एक नया तरीके का मॉडल आ चुका है तो वो भी आपको दिखाएंगे। JBL का एम्पलीफायर लगाना है, JBL के कंपोनेंट लगाने हैं, एम्बियंट लाइट भी लगानी है और ये वाली DRL भी लगानी है। तो साथ ही साथ हमें इसमें लगाना है पाइनियर का एनक्लोजर, ये आप देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक आपको दिखाएंगे सारी वीडियो। तो वीडियो एक नंबर आने वाले हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। का काम हो चुका है स्टार्ट, ये आप देख सकते हैं। हेडलाइट्स का काम स्टार्ट हो गया है, DRL का काम स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ हम इसमें कर रहे हैं डैम्पिंग, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये हम इसमें कर रहे हैं एल्फोर्ड की डैम्पिंग जो कि मेड इन यूक्रेन है। और हम इसमें सारी एक्सेसरी जो फिट करेंगे तो आज का जो रिज़ल्ट है गाड़ी में एक नंबर आने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं डैम्पिंग भी हो रही है वहाँ से भी, और आगे की खिड़कियों में भी हो रही है। तो इसमें हम टेल लाइट्स भी लगाएंगे LED वाली, वो भी आपको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। और हम इसमें लगाएंगे सीट कवर भी जो कि आउट ऑफ होम का होगा। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। इसमें डैम्पिंग भी हो गई, टेल लाइट्स भी हो गई और वहाँ से वो कनेक्शन का काम चल रहा है और ये डैम्पिंग भी लग रही है। तो यहाँ से भी पिलर पॉड वगैरह लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ये वाली वायरिंग डालते हैं कुछ। तो गाइस साथ ही साथ हम थार में लगा रहे हैं मैक्सिंग की 4 गेज वाली वायरिंग, ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी वायरिंग है। प्रॉपर हम इसमें थिम्बल लगा रहे हैं और फ्यूज़ भी लगा रहे हैं, जेन्युइन तरीके से काम हो रहा है। तो गाइस फाइनली थार हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हैं बम्पर वगैरह ग्रिल वगैरह इसमें पहले ही लगा था। तो हेडलाइट्स खाली लगी थी और हमने ये DRL लगाई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें इंडिकेटर का भी ऑप्शन है, वो भी आपको चेक करके दिखाएंगे। पहले आप DRL का लुक देखिए, इसकी ब्राइटनेस है ना बहुत तेज़ होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें स्कैनिंग फंक्शन भी है और वेलकम फंक्शन भी होता है और इंडिकेटर मैट्रिक्स है और नीचे रिफ्लेक्टर लगाया गया है जो कि थार लिखा हुआ है। तो आज का जो इसका मेन काम जो था वो सारा इंटीरियर के ऊपर था। इसमें लगाई है एम्बियंट लाइट और RGB AC वेंट। तो गाइस लुक चेक करें अंदर का, थार का एम्बियंस कितना अच्छा आ रहा है। ये भी आप देख सकते हैं इसमें भी लाइट है और ये भी लाइट है, K4 है ये। तो गाइस इंट्रोड्यूसिंग न्यू RGB AC वेंट। तो गाइस पाइनियर का इसमें एनक्लोजर लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं जो कि 1300 वॉट है। तो म्यूजिक सिस्टम का अंदर सेटिंग चल रहा है। तो अभी आप लास्ट व्यू देख लीजिए, तो पहले आप देख लीजिए अंदर के इवेंट कितने अच्छे चल रहे हैं। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई व्लॉग्स।